चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज इक्वल टू 100 टाइम्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.8 मीटर द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर विल बी कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक चार्ज है क्यू जिसकी वैल्यू 100 ई के इक्वल है, यानी इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसका 100 टाइम्स इक्वल है, और वो मूव कर रहा है, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, ये मान लो ओ है और उसका रेडियस स्मॉल आर, कह देते हैं आर की वैल्यू है 0.8, इस स्मॉल आर की वैल्यू 0.8 है मीटर, एसआई में है लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2R होती है, ठीक है। अब क्योंकि कोई चार्ज अगर घूम रहा है उसकी वजह से करंट कितनी डेवलप होगी, तो दो फॉर्मूले होते हैं करंट के, एक होता है क्यू बाई टी, एक ये फॉर्मूला है, दूसरा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बल्कि चार्ज क्यू कर दो इसको, इसको मैं क्यू कह देता हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था वो, अगर चार्ज की वैल्यू कुछ और है तो क्यू की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। तो यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं इस जगह, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा, न्यू इंटू क्यू अपॉन टू आर, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, रोटेटिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा था, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वन हो गई, क्यू की वैल्यू 100 ई हो गई, डिवाइडेड बाई 2R, आर का मतलब 0.8 हो गया, अब बी नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट इंटू 100 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, डिवाइडेड बाई 1.6 हो जाएगा ये दोनों मिलके, 1.6 ये 1.6 से कट जाएगा, म्यू नॉट इंटू 10^-17 होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा, 10^-17 म्यू नॉट इंटू 10^-17, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।